पर ये शूट कर रहा है वो शमशान घाट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी तेज तूफान आया है, सब कुछ ठीक है, तो फिर और आप ये भी कह रहे हो कि भाई मैं शमशान घाट में अकेला आया हूँ, फीमेल साउंड आया हंसने का, जैसे लड़कियां वगैरह हंसती हैं, या हो सकता कोई और भी हो, लेकिन कोई ना कोई तो फंसा है। अब हालांकि इनका कहना ये अपने सिर से आप कह रहे हो दरवाजा खोलो, अब उसमें कमेंट में कुछ लोग लिख रहे हैं कि कोई गोलू नाम का शख्स आपके साथ आया तो आप उससे बोल रहे हो कि गोलू लगभग सुबह होने वाली है, और अचानक से ऐसे पीछे मुड़ करके हंसता है और फिर आगे लिखने लगता है। तो इसको मैं इस जगह पर बीचों बीच चिताएं जलाई जाती हैं, तो इनके साथ में जो बंदा है जो भी आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कोई ना कोई होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई ना कोई खुद भी देखना और बताना कि किसकी तरफ देख रहे हो, अगर कोई साथ में नहीं आया तो देख किसकी। और 18-12 के आसपास की जो टाइमिंग उस पर भाई जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी द रियल व्यू चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं एक बंदे से, चैनल है स्प्रिट मैन, और देखते हैं क्या एनालिसिस होता है इसमें, क्या पॉइंट है। कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं आजकल जो है काफी है। वो भी बंदा खैर देखा जाए तो उसका हुनर बहुत अच्छा है वीडियो बनाने का, लेकिन बात वहीं आकर के फंस जाती, भाई मेरा काम जो है वो तो हम करेंगे ही, तो हमें जहां कुछ त्रुटियां या कमियां कुछ नजर आती हैं या कुछ भी पॉइंट ऐसे नजर आते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको हम सवालों के रूप में डाल करके उसको हम पूछते हैं भाई। तो शुरुआत करते हैं भाई, बंदा ये गया है कोई शमशान घाट। अब ये मेरे हिसाब से जहां पर ये शूट कर रहा है वो शमशान घाट नहीं है, वो शायद क्योंकि वहां पर एक पार्क टाइप की और टंकी है, ठीक है, वाटर टैंक है और पार्क है और एक बेस बना दिया गया है। अब वो गांव वालों ने बनाया या आई थिंक नगर निगम या नगर पालिका वगैरह बनाती है उसको, तो वो बना हुआ है, उसको ये शमशान घाट बता रहे हैं भाई। तो मे बी कि हो सकता है भाई, लेकिन नजर नहीं आ रहा ऐसा कुछ। उसका रीजन ये है, मेरे हिसाब से वो जो है क्या है, वो एक पंप हाउस है जो कि वाटर टैंक वाले अक्सर जल विभाग वाले बनाते हैं, क्योंकि वहां पर कमरे वगैरह भी जो है वो लोग साथ में बनाते हैं। तो आपने देखा होगा उसके वीडियो में कि उसमें रूम वगैरह भी नजर आ रहे हैं, मतलब क्वार्टर टाइप के बने होते हैं जिसमें वो जो वाटर सप्लाई ऑन ऑफ करने वाला जो बंदा होता है जिसको वो लोग बैठाते हैं, तो उसको जो है क्वार्टर जो है देते हैं, मतलब रहने वगैरह के लिए, तो वही लग रहा है वो। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बंदा जब शूट करता है तो इसके वीडियो में 9:35 के आसपास की जो टाइमिंग है उस पर आप देखना कि तूफान आ जाता है बहुत तेजी से, मतलब आंधी वगैरह चलती है और वाकई चलती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी तेज तूफान आया है, सब कुछ ठीक है, तो फिर और आप ये भी कह रहे हो कि भाई मैं शमशान घाट में अकेला आया हूं, तो इतनी तेज तो मान लेते हैं कि आपने कैमरा वगैरह भी अपना सेटअप करके ट्राइपॉड पे रख दिया, भाई तूफान इतना तगड़ा दिख रहा है उसमें, इतनी तेज आ रहा है और खुद भी आप बता रहे हो बहुत तेज तूफान आ गया, तो कैमरा गिरा नहीं? तो मुझे कैमरे को यही बंद करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत खतरनाक तूफान है और मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ट्राइपॉड बिल्कुल हिला नहीं अपनी जगह से, कौन सा ट्राइपॉड है तो उसको जरा थोड़ा डिस्क्राइब करो भाई। फिर जब ये जाने लगते हैं रूम की तरफ तूफान, मतलब कैमरा अपना पैक वैक करके, तो 11:05 पे किसी के हंसने वगैरह की आवाज आती है। ये उनके फर्स्ट वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने दोबारा ही जाकर के इस जगह पर एक वीडियो फिर से बनाया है पूरी रात रुकने का, तो उस पर एनालिसिस बाद में देखा जाएगा भाई। तो अभी उनके फर्स्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, 11:05 पे कोई हंसा है, वो कौन बंदा है जो हंस रहा है? आई थिंक कोई फीमेल साउंड आया हंसने का, जैसे लड़कियां वगैरह हंसती हैं, या हो सकता कोई और भी हो, लेकिन कोई ना कोई तो हंसा है। अब हालांकि इनका कहना ये अपने सेकंड वीडियो में इन्होंने खुद बताया इस चीज को कि भाई मैंने एडिटिंग वगैरह सब कुछ किए, लेकिन इन्हें भी नहीं पता चला कि वो कौन हंस रहा है, यानी कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई हंसा है। तो क्या आप लोगों को लगता है क्या कि कोई भूत प्रेत हंसा होगा वहां पर?
या चुड़ैल कोई होगी। उसके बाद 11:09 पे जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं इनके वीडियो पे, इन्होंने बोला दरवाजा खोलो। तो ये दरवाजा खोलो किससे बोल रहे हो, अंदर कौन ऐसा बंदा है जिससे आप कह रहे हो दरवाजा खोलो। अब उसमें कमेंट में कुछ लोग लिख रहे हैं कि कोई गोलू नाम का शख्स आपके साथ आया तो आप उससे बोल रहे हो कि गोलू जल्दी से दरवाजा खोलो, या कुछ लोग कह रहे हैं कि आओ चलो गोलू चलते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि गोलू छाता खोलो। मतलब तरह तरह के कमेंट वगैरह भी जो है दिखाई दिए हैं इस पे। तो ये एक बड़ा मनोरंजन का विषय है कि भाई वो दरवाजा मतलब अंदर कौन है जिससे कह रहे हो कि दरवाजा खोलो। उसके बाद एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, और इसको थोड़ा सा क्लिक में भी अपने दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मतलब कोई यार कोई भी कोई शूट करता कुछ भी करता है, लेकिन अपना काम है उसके वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ पॉइंट निकालना। तो वो हमने जो हमको जो पकड़ में आया है, सब कुछ पकड़ में आया है कि मतलब इस बंदे को उस दिन शूट करने में इतनी ज्यादा हंसी छूट रही थी। मतलब ये मतलब एक चीज इसके ये टैलेंट है, ये चीज हुनर मानना पड़ेगा भाई कि आपकी हंसी भी आपको हंसी भी आ रही हो कैमरे के सामने, और आप पब्लिक को जो है मतलब अपनी हंसी शो ऑफ ना कर पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो जो भी हो। तो इसको हंसी बहुत तेज आ रही है, आप लोग कैसे कहोगे कैसे, तो उसके लिए ये क्लिप आपको दिखाते हैं हम कि देखिए आप इस पे कि ये अचानक ये बोल रहा है कि लगभग सुबह होने वाली है और अचानक से ऐसे पीछे मुड़ करके हंसता है और फिर आगे देखने लगता है। तो इसको मैं दिखाता हूँ क्लिप में, और आप लोग बताना ये हम मुस्कुराया है कि नहीं मुस्कुराया। लगभग लगभग सुबह होने वाली है, लगभग लगभग सुबह होने वाली है, लगभग लगभग सुबह होने वाली है। मुस्कुराया है, इसकी हंसी इस वीडियो में 2 से 3 बार छूटी है और कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर ले गया, ये अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों हुआ, होता है शूट करने में, हो जाता है भाई। उसके बाद एक जगह पर और हंसी छूट जाती है, और ये सारी चीजों पे गौर करना जो मैं टाइमिंग बता रहा हूं, इनका वीडियो देखना 17:29 से इनका वीडियो उठाना, और वहां पर देखना जब ये बोल रहे हैं इस जगह पर बीचों बीच चिताएं जलाई जाती हैं। तो इनके साथ में जो बंदा है, जो भी आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कोई ना कोई होगा, हो सकता ना भी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई ना कोई जरूर था, और इनकी हंसी छूट जाती फिर से। तो वो भी आप इस क्लिप पे देखो, इस जगह पर बीचों बीच चिताओं को जलाया जाता है दोस्तों, इस जगह पर बीचों बीच चिताओं को जलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद 17:42 की टाइमिंग पे फिर से एक बार हंसी छूटती है, जब ये बोलते हैं कि कितनी तेज भयानक हवाएं चल रही हैं, और फिर से इनको इनकी मुस्कुराहट, मतलब ये पीछे मुड़ के मुस्कुरा लेते हैं फिर अचानक से आगे देखते हैं, और मतलब देख समझने वाले समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि कितनी जल्दी से कंट्रोल कर लेता हंसी कोई बंदा कि इसको शूट करते वक्त उस दिन बड़ा बड़ा मजा आ रहा था, मतलब हंसी छूट रही, इसको मालूम था कि मतलब हम किस तरह से क्या शूट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी है बहुत अच्छा है। उसके बाद 17:42 की टाइमिंग पे भाई किसकी ओर देख रहे हो, ये थोड़ा सा आप देख करके बताओ, अपना वीडियो कुछ भी देखना और बताना कि किसकी तरफ देख रहे हो, अगर कोई साथ में नहीं आया तो ये देख किसकी तरफ रहे हो। और 18:12 के आसपास की जो टाइमिंग उस पर भाई एक चीज मैं बताता हूं, आप एक तरफ से वीडियो में अपने बोलते हो कि भाई किसी को यकीन करना हो करना, नहीं करना हो नहीं करना, और जिसको यकीन ना हो वो यहां पर आकर के देख ले, तो वो पहले ये बताओ कि वो आएगा कैसे यहां पर, जब जगह का नाम ही नहीं बता रहा हो, लोकेशन ही नहीं बता रहा हो, तो वो कैसे आ सकता है यहां पर।
गांव का नाम कुछ तो बताया था, मैं गांव का नाम स्टार्टिंग में दे दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी गांव का नाम एक अजीब सा था तो मैं भूल गया। तो ये चीज बताओ। उसके बाद 1921 की जो टाइमिंग है, एक उसमें मैंने नोटिफाई की एक चीज, अगर ये शमशान घाट है तो ये जो टीन वगैरह लगी हुई ऊपर, जहां तक मैंने अब तक ऑब्जर्वेशन की है, शमशान घाट वगैरह गया हूं तो वहां पर भी जो टीन वगैरह लगी होती है वो तीन स्टेप पे लगी होती है, मतलब 1x1x1 इस तरह के स्टेप पर टीने लगी होती है ऊपर, ठीक है, और ऊपर बहुत सारा करखा जमा होता है, कालिख लगी होती है, मतलब जैसा कि आप देखते हो कि भाई चिताएं जलेंगी, धुआं उड़ेगा, उसका जो भी जो है वो है सब ऊपर ही जाता है, तो वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जिंदल की टीन नई मंगवाई गई है, बंसल वगैरह की जो भी आती हो टाटा की, तो वो कोई नई टीन बिल्कुल लगवाई गई है, और कुछ शमशान घाट कहीं से वो नजर ही नहीं आ रहा है, तो इसे क्लियर करो दोस्त। तो ऐसे कुछ पॉइंट, मतलब ये कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं था, एनालिसिस दरअसल जो आएगा वो इनके जो शमशान घाट का सेकंड वीडियो है उस पर तगड़े पॉइंट हैं, तो उस पर हम कुछ लेकर के आएंगे। और आज तो बड़े हम मतलब रोमांचक मूड में है और खुश हैं, बस हंसी खुशी वीडियो बना रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक। और जो इनका नेक्स्ट वाला जो शमशान घाट जिसमें ये पूरी रात रुकने का दावा किए हैं, उस पर मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट करके रखे हैं, तो अगर आप लोगों को वो वाला इनका मेरे द्वारा एनालिसिस देखना है सेकंड वाला जब ये शमशान घाट पर रुके हैं, तो उसके लिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी भाई, और लाइक करिए, और भाई वीडियो को शेयर जरूर करा करो अगर अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगने पर कोई जबरदस्ती ना आए। इवन अगर मेरी बातों में कोई भी बात, आपको पहले मेरी बात को सुनो फिर वीडियो देखो, और उसके बाद अगर अच्छा लगे। अच्छा दूसरी चीज ये भी बता दें आप लोगों को भाई, सबकी अपनी मेहनतें होती हैं, तो मैं किसी से, सारे जो है सब्सक्राइबर हो या जो भी व्यूअर हो, दर्शक हो, जनता हो, जो भी हो, सभी से ये बात बोल देना चाहता हूं, मैं किसी से भी कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा का अधिकार हर किसी को होता है, ठीक है, वो कुछ भी कैसा भी बना रहा हो। तो अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और मिलता हूं इनके, इनके नहीं बोलूंगा अभी, तो बहुत सारी चीजें लेकर के आनी है अपने नेक्स्ट किसी विषय पर, जो भी वीडियो में लेकर के आऊंगा उस पर मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। और हो सके तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में और ज्यादा आनंद आता है, आप लोग हो तो हम हैं, हम आप लोगों की वजह से जो कुछ है और यहां तक लाए हो, तो वो गाना नहीं है कि यहाँ तलब तो लाए बेटा आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, तो फिलहाल मैं परदेसी नहीं हूँ और जो कुछ हूँ बस इसी मिट्टी का निवासी हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग, नंदन वाजपेयी, धन्यवाद।